हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th. स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लासेस फॉर द सब्जेक्ट SST. इन आवर लास्ट पीरियड वी हैव डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 2 इन सिविक्स, आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे भारतीय संविधान के जो आदर्श थे, क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आइडियल बनाती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. इन लास्ट क्लासेस वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके थे लास्ट क्लास में, एंड द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं, एंड द प्रीम्बल जो कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कही जाती है, संविधान की आत्मा, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था. एंड यू कैन सी हियर द प्रीम्बल आल्सो. जो हमारे फीचर्स थे उनमें से प्रीम्बल्स सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, एंड द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी. फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें राइट टू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 19 से 22. आर्टिकल्स 19 से 22 के बीच में डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इंडिविजुअल फ्रीडम. अगर इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है डेमोक्रेसी में, तो हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते. हमारे और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 डिफरेंट फ्रीडम्स टू प्रमोट द आइडियल ऑफ द लिबर्टी मेंशनड इन द प्रीम्बल. ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू. 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रीडम्स हमको प्रमोट किए गए हैं, हमको दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो सभी सिटीजन्स को ये अधिकार दिए जाते हैं. अब वो कौन कौन से फ्रीडम हैं, आगे डिस्कस करते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हमको स्पीच देने का और अपने विचार देने का आज़ादी है. असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स. कहीं पर भी हम शांतिपूर्वक इकट्ठे हो सकते हैं बिना अस्त्र शस्त्र के. फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस. हम एसोसिएशन बना सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं, एंड मूव फ्रीली थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडिया में कहीं भी हम स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं. रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. भारत के किसी भी हिस्से पर हम रह सकते हैं, अपना निवास स्थान बना सकते हैं. प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. किसी भी प्रकार का हम प्रोफेशन अपना सकते हैं, किसी भी प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं. ये थे हमारे 6 फ्रीडम्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी भारतीय नागरिकों को दिए गए. राइट टू फ्रीडम इंक्लूड राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 years. राइट टू फ्रीडम के तहत ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना भी अनिवार्य हो गया है, जो कि 6 years से 14 years तक के बच्चे को देना होता है. वी मस्ट यूज द राइट टू फ्रीडम विद कॉस्ट. हमें सावधानी बरतते हुए अपने राइट टू फ्रीडम का इस्तेमाल करना है. ये भी हमको देखना है कि हमारी फ्रीडम की वजह से किसी की दूसरी की फ्रीडम का नुकसान ना हो. वी मस्ट यूज द राइट टू फ्रीडम विद कॉशन. फॉर एग्जाम्पल्स में द राइट टू असेंबल डज नॉट मीन दैट वी कैन क्रिएट पब्लिक डिस्टर्बेंस. इकट्ठा होने का अधिकार तो है हमको, लेकिन हमारे इकट्ठा होने से पब्लिक डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. कहने का मीन्स, सपोज दैट जैसे आप इकट्ठा होने का अधिकार है, लेकिन अब अगर आप रोड में इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर जाम लगता है, ऐसा अधिकार आपको नहीं दिया जाता है. एंड कॉज प्रॉब्लम फॉर द अदर्स. दूसरे को समस्याएं नहीं होनी चाहिए. सिमिलरली फ्रीडम ऑफ स्पीच
एंड एक्सप्रेशन अलाउ अस टू एक्सप्रेस अवर सेल्व फ्रीली विदाउट हर्टिंग और हार्मिंग अदर्स। हमें अपने विचार देने का अधिकार है, अपने एक्सप्रेशंस देने का अधिकार है, लेकिन हमारे एक्सप्रेशन ऐसे होने चाहिए कि किसी दूसरे को हर्ट ना करें, किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। द राइट टू फ्रीडम आल्सो मीन्स दैट नो सिटीजन्स कैन बी पनिश्ड विदाउट बीइंग प्रूव्ड गिल्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। राइट टू फ्रीडम के तहत यही हमको बताया गया है कि किसी भी नागरिक को जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है कोर्ट में, उसको दंड देने का अधिकार नहीं है। नाइदर कैन एनीवन बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। और ना ही उसको एक ही अपराध के लिए दो बार सजा देने का अधिकार है। थस दिस राइट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इनजस्टिस। इस तरीके से ये जो हमको अधिकार मिला है राइट टू फ्रीडम का, इसके तहत हम अपने ऊपर अन्याय होने से रोक सकते हैं। अब पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।